वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत, तुसीं देख रहे हो दा पंजाब लाइव। पुराने समय की गल है कि जंगल दे विच सारे पशु पंछियों नूं इकट्ठे करके शेर ने ऐलान कर दिता कि मैं जंगल का राजा हाँ। उसने अपने कानून नियम बनाने शुरू कर दिते ते जंगल दे जिन्ने भी पशु पंछी सी सारे ने खुशी खुशी ओ जिहड़े नियम बनाए हुए सी, कानून बनाए हुए सी, ओ मनने भी शुरू कर दिते। भाव शेर दा जिहड़ा असल दे विच राज सी ओ कायम हो गया ते सारे जंगल दे उत्ते लागू हो गया। एक दिन शेर आराम करदा बैठता है कि राजा आ रहा है। राजे दे अगे पिछे काफी फौजां ने, राजा शायद शिकार खेडन आ रहा होवेगा। वह देखता है कि राजे ने अपना आसन एक हाथी दे उत्ते लाया होया है। यह चीज देख के उस शेर दे मन विच भी आया कि एक राजे की असली पहचान यही है कि उसकी सवारी हुंदी है उच्ची सवारी ते हाथी दे उत्ते आसन लगाउंदा है ते अगे पिछे उसके काफ़ी लामो लश्कर हुंदा है। वह जिहड़ा असली राजा सी किसी नगर का वह तो आपका काम करके वापस परत गया। पर अगले ही दिन टाइम नाल जंगल दे राजे शेर ने दोबारा तो आपकी पंचायत इकट्ठी कर ली, आपका जिहड़ा दरबार सी वह ला लिया। उसने आपकी इच्छा जाहिर की, व्यक्त की कि मेरे लिए भी आसन तैयार किया जाए, मैं भी हाथी ते बैठ के जिथे कितने मैनू काम होया करेगा मैं जाया करांगा। इसे तरीके नाल होया, जंगल दे राजे शेर दे हुकम दी तामील होई ते उसनू एक हाथी मिल गया ते उसी तरीके दा उहदे लई आसन बना दिता गया। ते फिर उसने हुक्म कीता कि जिन्ने भी जानवर ने वह मेरे अगे पिछे चलणगे ते इस तरीके नाल पता लगेगा कि मैं जंगल दा राजा हाँ, मैं असली शेर राजा हाँ। इसे तरीके हुंदा है, सारे अगे पिछे आ जांदे ने ते वह मार के छाल वह जिहड़ा आसन बनिया हुंदा है उत्थे बैठ जांदा है। पर जदों हाथी तुरदा है तो 5-7 कदम चल के ही वह डिग पैंदा है ते बुरी तरह उस जख्मी हो जाता है, एक लत तुड़वा लैंदा है ते इस तो बाद वह समझ जाता है कि पैदल चलना ही ठीक है। हर एक बंदा किसी दूजे की नकल नहीं कर सकता, एक गल उस चंगी तरह समझ आ जाती है। इस कहानी तो आपां नूं सिख्या की मिलती है, खास तौर पर जिहड़ी मुख सिख्या है वह यह है कि जिसका काम उसी को साजे। किसी भी बंदे नूं किसी भी दूजे मनुख की कापी नहीं मारनी चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने सानू सारयां नूं वख-वख गुणां दे नाल नवाजिया है। हर मनुख सतगुर सच्चे पातशाह जी ने वख तरीके नाल उहदे विच कुछ गुण दिते ने, कुछ औगुण दिते ने। आपां किसी नूं वेख के यह नहीं कह सकते फलाना फलाना काम बहुत वधिया कर लैंदा है, उसनूं फलाना हुनर बहुत ज़्यादा मिलिया होया हो, इस काम दे विच उहदे कोले बेहतरी है। नहीं, असीं आपदे हुनर नूं पहचानीए, असीं आपदे गुणां नूं पहचानीए। असीं लोकां वल देख के यह ना कहीए कि साडे तों आह काम दे विच ज़्यादा बेहतर है, उहदे कोले इस काम नूं करन दा हुनर ज़्यादा है। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने हर एक मनुख नूं उहदे हिसाब नाल वक्खरे वक्खरे गुणां दे नाल नवाजिया है। असीं किसी नूं वेख के कदे भी मन दे विच द्वेष ईरखा की भावना ना रखिए। असीं सिर्फ आपदे हुनर नूं पहचानीए कि असीं की कर सकते हाँ, साडे हथ किहड़ा काम करन दे विच बेहतर हन। सतगुर सच्चे पातशाह जी सानूं सारयां नूं आपदे ढंग नाल पूरन बनाउंदे ने। साडे विच बहुत सारियां खूबियां हुंदियां ने, लोड है उहनां नूं पहचानन दी। पहचान के उहनां तों आपां उस तरीके नाल काम करिए तां सतगुर सच्चे पातशाह जी साडे काम विच बरकत पाउंदे ने, साडे सिर ते मेहर भरिया हथ रखदे ने ते हमेशा साडे ते किरपा करदे ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।